छोटा सा गांव था। बरसात न होने से गांव के इकलौते कुएं में पानी बहुत कम रह गया था। इस कारण कुएं से पानी भरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुन लल्ला, घर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। जा, जाकर कुएं से भर कर ला। क्या कहा? पीने का पानी बिल्कुल नहीं है? हाँ, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने पानी नहीं भरा है, तो तू जाकर ले आ। मैं क्या इस काम के लिए बना हूँ? तो किस काम के लिए बना है? मैं तो कोई बड़ा काम करने के लिए बना हूँ। कौन सा बड़ा काम? वही तो सोचता रहता हूँ। ऐसा कर, पहले पानी लेकर आ, फिर सोचता रह। क्या माँ तुम भी, हर दूसरे दिन तुम हाथों में दर्द का बहाना बनाकर मुझसे पानी भरवाती हो। हाँ तो पूरा दिन खाली बैठकर तू करता क्या है? सुन, अगर नहीं लाएगा पानी तो तुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मैं अपने लिए राधा के घर से ले आऊंगी, तू प्यासा रहना। अच्छा ठीक है ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ। भीखू मटका लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास जाकर उसमें झांकता है। कुएं में बहुत कम पानी बचा हुआ था। बारिश न होने से कुएं में पानी बहुत कम बचा है। पानी खींचने में बहुत मेहनत लगेगी। ये बारिश भी ना, इस बार बारिश ने दुखी कर दिया। कुआं एकदम सूखा पड़ा है। हे कुएं बाबा, कृपया आराम से पानी दे दो। कर उसने कुएं पर लगी घिरने की रस्सी को पकड़कर उससे बंधी बाल्टी कुएं में डाली और धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगा। ये बाल्टी अब तक हल्की क्यों है? भीखू ने झांक कर देखा तो बाल्टी पानी तक नहीं पहुंची थी। अरे बाप रे, पानी तो बहुत गहराई में है, अब तो रस्सी भी कितनी भारी हो गई है। वो रस्सी को और नीचे करने लगा। जैसे ही उसमें पानी भरा, भीखू ने रस्सी को ऊपर खींचा, पर उसे खींचते हुए वो खुद ही हिलने लगा। पानी इतना नीचे है कि रस्सी खींची भी नहीं जा रही। पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी। उसने जोर लगाया तो रस्सी टूट गई और बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। हाय मेरे हाथ, कहीं छाले ना पड़ जाए। अरे ये क्या हुआ? बाल्टी तो कुएं में गिर गई, अब मैं पानी किससे भरूं? कुएं बाबा, ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने मुझे सताया है तो अब आपको इसकी सजा मिलेगी। मैं अभी आपको कैद करता हूँ। आप मेरे कैदी हो। जब तक मैं आपको सजा नहीं देता, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। ये कहकर वो पनघट पर अपना मटका लेकर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी कुएं से पानी भरने के लिए आया और उसने देखा। भीखू भाई, ये कुएं की घिरनी पर ना तो रस्सी बंधी है और ना ही वो बाल्टी है। रस्सी कहाँ गई? कुएं बाबा खा गए। क्या? कुएं बाबा खा गए? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी रस्सी और बाल्टी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाल्टी से बंधी हुई रस्सी लाकर घिरनी से बांध देता है, पर जैसे ही वो पानी भरने लगा, भीखू जोर से चिल्लाया। ए भाई, ए, ए, तुम पानी नहीं भर सकते। हाँ क्यों 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 नहीं भर सकता भैया? क्योंकि कुएं बाबा मेरे कैदी हैं। जब तक इनकी सजा पूरी नहीं हो जाती, मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस कुएं से पानी नहीं भर सकता। अरे कैसी अजीब बातें कर रहे हो भीखू, लगता है तुम चढ़ाकर आए हो। हाँ चढ़ाकर नहीं, चलकर आया हूँ। अब चाहे जैसे भी आए हो, अब मुझे क्या भैया है।
ये कुआं तुम्हारी जायदाद नहीं है, इसलिए चुप बैठो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैंने इस कुएं को कैद किया है, समझे? तुम्हें चाहे अजीब लगे या कुछ भी लगे, बस तुम इससे पानी नहीं भर सकते। चलो चलो जाओ यहां से। मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम यहीं रुकना, भागना मत। हाँ हाँ जाओ जाओ, कर लो जो करना है। वो आदमी गांव में जाकर ये बात बताता है। अरे तुम लोग चलो मेरे साथ, वो भीखू कुएं से पानी भरने नहीं दे रहा है। वो गांव वालों को साथ लेकर कुएं पर आता है। उनमें से एक आदमी कुएं से पानी भरने लगता है। ओ भाई ओ, तुम इस कुएं में से पानी नहीं भर सकते, समझे? क्यों क्यों नहीं भर सकता? ये पूरे गांव का कुआं है, तुम्हारे अकेले की जागीर नहीं है। मैंने कब कहा कि ये मेरी जागीर है, है? पर इन कुएं बाबा को मैंने कैद किया है, ये मेरे कैदी हैं, और जब तक इनकी सजा पूरी नहीं हो जाती, कोई इस कुएं से मेरी अनुमति के बिना पानी नहीं ले सकता। अरे ना समझ, ये कैसे हो सकता है, और तुम उसे कैद कैसे कर सकते हो? देखो भाई, बात तो बहुत सीधी सी है, मैं कुएं से पानी लेने आया था, और मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे आसानी से पानी दे दो, पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। एक तो मैंने इतनी मेहनत से बाल्टी पानी तक पहुंचाई, देखो पानी कितना नीचे, देखो तुम खुद ही देख लो, मेरे हाथों में छाले भी पड़ गए हैं। बाल्टी खींचते खींचते रस्सी टूट कर कुएं में गिर गई। अब तुम ही बताओ, मेरी सारी मेहनत बेकार हुई कि नहीं? अरे ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें सजा वाली बात कैसे आ गई? अगर कोई तुम्हारे बीज चुरा ले या तुम्हारे खेतों को नुकसान पहुंचाए, तो तुम क्या उसे छोड़ देते हो, है? सजा देते हो कि नहीं? तुम लोग तो मार मार के उसका दम ही निकाल देते हो। अब कुएं बाबा ने मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी, तो मैंने उन्हें कैद कर लिया है। हाँ, अरे भीखू, आप कैसी पागलों वाली बात करते हो भाई, दिमाग घूम गया क्या तुम्हारा? जो समझना है समझो, चलो 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 अभी तुम सब निकलो यहाँ से, और कोई भी मेरी अनुमति के बिना पूरे दो दिन तक इसमें से पानी निकालने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ 24 घंटे पहरेदारी के लिए बैठा हूँ। तीनों आदमी वहां से चले जाते हैं। अरे मैं देखता हूँ कैसे पानी नहीं भरने देता। पूरे गांव को पता है, पर क्या तुम नहीं जानते कि मेरी अनुमति के बिना इस कुएं में से दो दिन तक कोई पानी नहीं भर सकता? अबे तुम्हारी सजा तुम जानो, तुम्हारे चक्कर में क्या कोई दो दिन तक पानी नहीं भरेगा, हैं? हम क्या बिन पानी के रहेंगे बे? तेरा दिमाग घूम गया है के? ये कुआं पूरे गांव का है, और मुझे तेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, समझा? खबरदार, जो तुमने पानी लेने की कोशिश भी की तो। अच्छा देखो तो तुम क्या कर सकते हो, हैं भाई? वो भीखू के सामने अपनी लाठी लेकर खड़ा हो गया। भीखू थोड़ा डर गया। बाहुबली पानी खींचने लगा तो भीखू ने उसका हाथ पकड़ा। चलट। दोनों में हाथापाई हो गई। उसने भीखू को कुएं में धकेल दिया और वहां से भाग गया। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो, बचाओ बचाओ। भीखू बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ हाथ पैर मारने लगा। अचानक उसका हाथ कुएं की दीवार पर अटक गया। उसने देखा दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोहे के तीन हत्थे लगे थे। भीखू ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर वो थोड़ा ऊपर आया। उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा है, जिस पर छोटी सी कुंडी लगी थी। अरे कुएं के अंदर ये दरवाजा कहां से आया? शायद कुएं में पानी भरा रहता था, इसलिए ये कभी दिखाई नहीं दिया। भीखू ने थोड़ा ऊंचा उठकर दोनों हाथों से दरवाजा खोला। ये तो सुरंग नुमा रास्ता है, जब तक कोई बचाने नहीं आता
मुझे इसमें रहना होगा। भीखू उसमें घुसकर अंदर चलने लगा। ये सुरंग तो बहुत लंबी लग रही है, यहाँ इसे किसने और क्यों बनाया होगा? जरा आगे चलकर देखूं तो ये है क्या। सुरंग काफी लंबी थी। रास्ते में उसे मोतियों की एक माला मिली। उसने वो उठाकर अपने पास रख ली। वो चलता जा रहा था कि उसे ऊपर की ओर जाती कुछ सीढ़ियां दिखीं। अरे ये क्या, सीढ़ियां? एक बंद दरवाजे पर लगा ताला दिखा। लो जी, यहाँ दरवाजा भी है, पर इस पर तो ताला लगा है। इसकी चाबी? पास ही दीवार पर एक चाबी टंगी थी। उसने चाबी लेकर दरवाजा खोला। वो अंदर गया। उसकी आंखें वो दृश्य देखकर खुली की खुली रह गईं। वहां बहुत बड़ा खजाना और कई सांप थे, जिन्हें देखकर वो घबराया। हे भगवान, इतना धन तो मैंने आज तक ना देखा ना सुना। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? ये इतने सारे सांप कहीं मार ना डालें। ये जगह इतनी अजीब क्यों है? कहीं कोई भूतों का अड्डा तो नहीं? मैं यहाँ क्यों आ गया? कहीं मैं मर तो नहीं गया? उसने खुद का सिर पकड़ कर घुमाया। रे 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 रे, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, पर मैं यहाँ कहाँ आ गया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। गाते हुए उसने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और चाबी फेंक कर वापस कुएं की ओर भाग गया। बाहर आकर लोहे के हत्थे पर लटक कर उसने सुरंग के दूसरे छोर का दरवाजा बंद किया और जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी ऊपर एक आदमी कुएं में झांक कर, अरे भीखू कुएं में कैसे गिर गए? बचा लो भैया, बचाओ। अरे भीखू कुएं में गिर गया, अरे भीखू कुएं में गिर गया रे। उसकी आवाज सुनकर दो आदमी और आ गए और तीनों ने रस्सी फेंकी। ए भैया घबराओ नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो, ठीक है? उन्होंने भीखू को कुएं में से निकाल लिया। भीखू, तुम कुएं में कैसे गिर गए भैया? ये तो अच्छा हुआ कि कुएं में पानी ना के बराबर है, वरना आज तो तुम्हारा नाम नाम सत हो जाता भैया। चलो गाँव में, मैं सब बताता हूँ। इसने मुझे कुएं में गिरा दिया था। ये मुझे कुएं में धकेल कर भाग गया। ये चाहता था मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाएं। अब क्या तुमने इसे धक्का दिया था? अरे मैंने ना दिया, ये खुद ही गिर गया था। खुद ही गिर गया का क्या मतलब भाई है? ये तुम्हारे सामने गिरा तो तुम्हें सबको बताना चाहिए था। इसे बचाने की बजाय तुम वहां से गायब हो गए। अगर आज भीखू मर जाता तो? मुखिया जी, इंसान जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। इस भीखू को इसके किए का फल मिला है। भीखू ने जो किया वो गलत है, लेकिन तुमने तो उससे भी बड़ी गलती की है। हमें एक दूसरे की परेशानी में साथ रहना है, ना कि झगड़ना है। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मैंने गुस्से में तुम लोगों को कुएं का पानी नहीं लेने दिया। अब मुझे भी माफ कर दे भीखू। रात को भीखू ने माँ को मोतियों की माला दी। ये इतनी कीमती माला तू कहाँ से ले आया? तुम्हें क्या, रख लो माँ, तुम पर अच्छी लगेगी। ना ना, पहले बता कहाँ से लाया? आजकल वैसे भी तू बहुत उल्टी हरकतें कर रहा है, तूने चोरी तो नहीं की? ना ना, चोरी नहीं की। भीखू ने माँ को कुएं वाली सारी बात बता दी। माँ भीखू को सुबह मुखिया के पास ले गई। कुछ लोगों ने आकर भीखू को साथ लेकर पूरी छानबीन की। वाह भीखू, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। वो सुरंग वाला रास्ता पुराने किले तक जाता है। ये खजाने तक जाने का एक खुफिया रास्ता है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, पर तुमने ढूंढ निकाला। इसके लिए
तुम इनाम के हकदार हो। धन्यवाद मुखिया जी।